जो किसानों के साथ नहीं है वो देश का गद्दार है। जो किसानों के खिलाफ एक शब्द भी बोलता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो देश का गद्दार है। जो ड्रोन्स पाकिस्तान बॉर्डर पे होने चाहिए थे वो ड्रोन्स यहाँ लाके किसानों के ऊपर हमले करा रहे हैं। उनसे पाकिस्तान बॉर्डर को खुली छूट दे दी, आतंकवादी भेजो कश्मीर में और पंजाब में। और खट्टर जी भी बेईमान है। ईवीएम हटा देना, ईवीएम के लिए क्यों जान जा रही है भाई? जब ये इतने ही 400 पार कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना, हर वो व्यक्ति, तीसरी बात और सुन लीजिए, हर वो व्यक्ति जो ये कहता है कि मुझे ईवीएम से ही चुनाव कराना है वो बेईमान है, देशद्रोही है। हर वो व्यक्ति जो पेपर बैलेट की मुखालफत करता है वो बेईमान है। ईवीएम के माध्यम से ये चुनाव जीतेंगे। सबसे पहला काम जो हमें करना है कि हमें ईवीएम हटानी है सबको मिलके। ईवीएम हट गई तो ये वैसे ही घुटनों पे आ जाएंगे। 15-15 लाख रुपए जो हमको देने थे ना मोदी जी, हमको चलो 14-14 लाख दे देना। पर सर सवाल ये है, एक एक लाख इनको दो किसानों को। सबको चुनाव के समय ही क्यों किसानों को आंदोलन याद आता है? सबसे अच्छा टाइम यही होता है ना। हाँ। उनके नौकरी तो हैं प्रधानमंत्री जी, अभी नौकरी मांगने दोबारा आने वाले हैं। कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही कर रहे हैं किसान। ये सही टाइम है नौकरी मांगने के लिए, अभी तो आने वाले हैं सब जो नौकर हैं, सारे MP जो नौकर हैं हमारी देश की जनता के और किसानों के। अभी नौकरी रिन्यू कराने नहीं आएंगे? नौकर के कान कम उठे उमेटे जाते हैं जब वो तनख्वाह मांगने आता है या ये कहने आता है मुझे नौकरी दोबारा दे दो। बेईमान नौकर को कब कब कान उमेटे जाएंगे उसके, जब वो दोबारा भाई, अब हम कहेंगे ना तुम तो चोर हो, तुमने पहले चोरी की, अब नौकरी नहीं देंगे तुम्हें। सबसे अच्छा टाइम यही है। पर संयुक्त मोर्चा साथ नहीं है ना उनके सर, देख रहे हैं जो किसानों के साथ नहीं है संयुक्त मोर्चा किसान, मैं क्या कह रहा हूँ, जो किसानों के साथ नहीं है वो देश का गद्दार है। जो किसानों के खिलाफ एक शब्द भी बोलता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो देश का गद्दार है। आज जो ये फैसला आया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, ये साबित कर दिया ना सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने कि संविधान को तोड़कर संविधान के खिलाफ जाके ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ऑर्डर RSS और BJP के लोग लाए थे। वैसे ही संविधान और कानून को तोड़कर MSP नहीं दी जा रही। इनसे सर कुछ होता थोड़ा ही है, सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी पीछे कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कुछ हुआ क्या सर? देखिए बिल्कुल क्यों नहीं हुआ। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने हाथ खड़े किए ना ऊपर 2018 में, जनता ने कहा तब भी थोड़ा टाइम और देख लेते हैं, जनता कुछ देर और ज़्यादा, जो बड़े लोग होते हैं ना वो थोड़ा देर से जागते हैं। अब जनता जाग गई है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा जजमेंट दिया है। अब इम्प्लीमेंट कोई सुप्रीम कोर्ट थोड़ी कराएगी, हम कराएंगे, देश की जनता, देश की जनता। सुधीर चौधरी बेईमान। हाँ बोलिए। सुधीर चौधरी ये कह रहे हैं कि किसानों की मांग मान ली जाए। सुधीर चौधरी बेईमान। हाँ देश में महंगाई बढ़ जाएगी। सुधीर चौधरी बेईमान। सुधीर चौधरी क्रिमिनल। सुधीर चौधरी क्रिमिनल। सुधीर चौधरी क्रिमिनल जो तिहाड़ जेल में अभी लंबे समय तक अब जाने वाला है, क्या बोल रहा है बताइए। वो कह रहे हैं कि अगर किसानों की मांग को मान लिया गया तो देश में महंगाई 30% से ज्यादा बढ़ जाएगी। सुधीर चौधरी का अगर वो 150 करोड़ रुपए वो नवीन जिंदल से उगाने में कामयाब हो जाता तो क्या देश की जो जो वो है क्या कम हो जाती, महंगाई कम हो जाती? ये जो 35 लाख करोड़ रुपए जिसमें से उसके मालिक ने भी, जो अभी वो मालिक है ना उसका, वो पुराने वाले मालिक भी, जी वाले भी और आज वाले भी, उसमें से 25 लाख करोड़ में से इसमें जी वाले ने कितने माफ़ कराए, वही वापस कर दे तो महंगाई कम हो जाएगी। सुभाष चंद्र बेईमान, उसने जो पैसे चुराए हैं देश के, अभी अभी उसके ऊपर जो बैंकरप्सी का मैं कह रहा हूँ, क्या 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 सुभाष चंद्र जो है उसके ऊपर बैंकरप्सी जब ये खुद बेईमानी काम करने वाले अमित शाह जी बैठे, खुद क्रिमिनल वो है। हाँ। इसलिए नहीं हो रहा ना, तो चोर चोर मोसेरे भाई, किसानों को रोका जा रहा है, किसानों को आंसू गैस गुले थोपे जा रहे, कैसे? तो चोर जो बेईमान चोर एंटी नेशनल है ना। हाँ। जो आप मुझे ये बताइए अमित शाह जी को शर्म आती है? जो जो ड्रोन्स पाकिस्तान बॉर्डर पे होने चाहिए थे वो ड्रोन्स यहाँ लाके किसानों के ऊपर हमले करा रहे हैं। उनसे पाकिस्तान बॉर्डर को खुली छूट दे दी, आतंकवादी भेजो कश्मीर में और पंजाब में और राजस्थान में और गुजरात में। अब हम पूछ ले उनसे कितने पैसे लिए हैं पाकिस्तानियों से तो क्या क्या मुंह रह जाएगा उनका? चाइना के बॉर्डर से ड्रोन हटा के, अभी आज खबर आई है, पता है आप लोगों को ये बात? नई खबर, जो चाइना के लोग हैं ना उन्होंने जो न्यूट्रल विलेजेस हैं उसमें अपनी पॉपुलेशन तो वो कह रहे हैं, असल में उन्होंने अपने फौजी जो गाँव है ना बॉर्डर पे उसमें बिठाने शुरू कर दिए ड्रोन, वहाँ के ड्रोन विड्रॉ करके किसानों पे हमला जो करा रहे हैं वो देश का क्या होम मिनिस्टर बनने लायक है या वो क्रिमिनल है, क्या वो एंटी नेशनल है? ये फैसला आप जनता करेगी। खट्टर जी बोल रहे कि तरीका गलत है किसानों का, दिल्ली जाने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जैसे ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं अनाज छिलवाने के लिए, मॉडिफाइड ट्रैक्टर। खट्टर जी
भी बेईमान है, खट्टर जी है नहीं है। ईवीएम हटाने वाले वकील ईमानदार हैं बस। हम कहाँ ईमानदार हैं, हम तो देश की जनता के नौकर हैं। हम वो कर रहे हैं, हम अपने मन से कुछ कर रहे हैं, जो जनता हमें बोल रही है वो कर रहे हैं। हमारे ऊपर रेड की कुछ मिला जय भीम के अलावा? क्या पता 15 घंटे 15 घंटे अभी अभी तो सुना ही है आपने, क्या हमारे हमारा कैसा समझौता चल रहा है अभी। जो 15-15, 16-16 घंटे जो कमांडोज ने मेरे ऑफिस में रेड की थी, जो हमें मरवाने की, जेलों में फंसाने की साजिशें हो रही हैं। अभी डॉक्टर रितु के आंदोलन में मेरे को और एक एफआईआर की थी, आज वो आईओ साहब ही भाग गए, कह रहे हैं हमारे पास आज तो हम बिजी हैं कहीं, आप आज मत आइएगा थाने। तो ये जो पुलिस से काम करवा रहे हैं, उनको चोर ना कहूँ, खट्टर जी को चोर ना कहूँ तो अच्छा नहीं बता दीजिए, बेईमान ना कहूँ तो क्या कहूँ? तो सर क्या अच्छा, मुझे मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं कानूनी बात कर रहा हूँ, थोड़ा मैं आम आदमी की भाषा में समझाने के लिए बोलता हूँ जो कड़े शब्द। वैसे जो मुख्यमंत्री इसलिए मुख्यमंत्री बना है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक रहेगी, किसी को भी उसके राज्य में आने जाने में पूरे किसी भी नागरिक को तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी। वो अगर तकलीफें पैदा कर रहा है तो मैं उसको ईमानदार चीफ मिनिस्टर बोलूं या बेईमान चीफ मिनिस्टर बोलूं? दूसरा, ट्रैक्टर लाने पे क्या वीजा लगता है, पासपोर्ट लगता है ट्रैक्टर लाने पे? किसानों के पास ट्रैक्टर ही है ना, बीएमडब्ल्यू तो सारी और मर्सिडीज और मेबैक फरारी तो सारी आरएसएस के और लोगों ने और बीजेपी के लोगों ने खरीद ली। जिनके पास स्कूटर नहीं था आज वो फरारी में घूम रहे हैं, अमित शाह जी के बेटे और दूसरे लोग। तो किसान बेचारे अपने ट्रैक्टर पे नहीं आएंगे तो क्या फरारी में आएंगे? जब राज्य के मुख्यमंत्री ही इस तरीके के बयान दे रहे तो कैसे आसान होगा फिर हरियाणा पर? देश की जनता के नौकर, हरियाणा की जनता के और देश की जनता के नौकर ही तो हैं। अब आ रहा है चुनाव हरियाणा का भी, तो मालिक पूछेंगे हाँ भाई बेईमान नौकर तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये सब काम जो है ना, मालिकों को जो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं वो बेईमान नौकर हैं, वो ईमानदार नौकर नहीं है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं सर, आंदोलन कितना ही कर ले, किसान वोट तो बीजेपी को देना ना इनको, हंड करके जाते वहां ही है सर, यहां आपने देखा होगा पीछे भी सर। ईवीएम हटा दो, ईवीएम हटा दो, फिर वही सवाल तो वही है। आप किसानों को एक 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 इतना बड़ा उलाना और दोष दोगे जिस किसी किसान ने वोट ही नहीं दिया उन्हें, अब तो मैं क्या कहूंगा उसको? मतलब यूपी में वैसे ही जीत गई बीजेपी, ईवीएम से जीत गई। ईवीएम हटा देना, ईवीएम के लिए क्यों जान जा रही है इनकी भाई, जब ये इतने ही 400 पार कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना, हर वो व्यक्ति, तीसरी बात और सुन लीजिए, हर वो व्यक्ति जो ये कहता है कि मुझे ईवीएम से ही चुनाव कराना है वो बेईमान है, देशद्रोही है। हर वो व्यक्ति जो पेपर बैलेट की मुखालफत करता है वो बेईमान है। किसानों की समस्या हल कैसे निकलेगा, कैसे? सबसे पहला काम ये करना है कि ये बेईमान नौकर हैं, इन्होंने रास्ता ये ढूंढ लिया है कि जनता के, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, गरीबों के, किसी का, महिलाओं के वोट ही नहीं चाहिए किसी के, ईवीएम के माध्यम से ये चुनाव जीतेंगे। सबसे पहला काम जो हमें करना है कि हमें ईवीएम हटानी है सबको मिलके। ईवीएम हट गई तो ये वैसे ही घुटनों पे आ जाएंगे। सर बैलेट पेपर से क्या गारंटी है? बहुत से लोग कहते हैं मैन हैंडलिंग होगी, बहुत होगी लेकिन इतनी नहीं होगी, पकड़ी जाएगी चोरी जैसे चंडीगढ़ में पकड़ी गई। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।